नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइक टेक्निकल गुरु में। जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, आज हमारे पास आ गई ये होंडा एक्टिवा जो कि बहुत ज्यादा धुआं दे रही है, तो आइए आपको दिखाते हैं। स्टार्ट करके कि गाड़ी जो कितना धुआं दे रही है, जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों रही है। तो आज जो है हम इसका इंजन खोलने वाले हैं, तो आपको दिखाते हैं कि इसका इंजन किस तरीके से खोलना है और क्या क्या प्रॉब्लम है। तो बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं आपको एक एक पार्ट। जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, आपको दिखा रहे दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका फिल्टर है, फिल्टर जो है निकाल लेना है। खोल के डायरेक्ट जो है इंजन को चेचिस से अलग कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से निकालना है। तो बने रहिए वीडियो में। जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका मेन जो बोल्ट है इसको खोलना है। इसका ये साकर का बोल्ट है, साकर पे ही जो है इंजन इसका टिका रहता है, तो इसको निकालना है। जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका जो है इंजन और चेचिस अलग हो गया है। देख पा रहे हैं दोस्तों, तो आइए दिखाते हैं आप इसमें क्या दिक्कत है। पूरा खोल के 3-4-10 पाइप आ रहे हैं दोस्तों। ये इसका कार्बेटर है, इसको पहले तो खोलना है। मुड़ी किनारे के इसका साइलेंसर जो है निकल गया है। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इसका एयर कूल्ड है। जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इसका फाइबर का कवर है, इसको निकाल लेना है। देख पा रहे हैं दोस्तों, अब इसका हेड खोलना है। हेड खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों गाड़ी धुआं दे रही है इतना ज्यादा। देख पा रहे हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, इसके हेड का बोल्ट जो है खोलना है। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इसका स्ट्रेट का बोल्ट है, ये 2-10 नंबर बोल्ट होता है, इसको खोलना है। देख पा रहे हैं दोस्तों, बोल्ट खुल गया है। अब इसका हेड निकालना है, हेड निकाल के आपको दिखाते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, हेड में जो है बहुत ज्यादा वाल पे कचरा हो गया है गाड़ी धुआं देने के कारण। आपको दिखा दें, ये इसका सिलेंडर है, देख पा रहे हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये इसका जो है रिंग और पिस्टन है, तो देखते हैं कि रिंग में कितना गैप है, किस कारण धुआं दे रही है इतना ज्यादा, आपको भी दिखाते हैं। जैसे कि दिखाया दोस्तों, देखिए रिंग में जो है कितना ज्यादा गैप है। रिंग में गैप हो जाने के कारण ही गाड़ी बहुत ज्यादा धुआं देती है। पिस्टन भी इसका पूरा ढीला हो गया है। देख पा रहे हैं दोस्तों, करेंक जो है इसके करेंक में कोई चाल और नहीं है, गाड़ी जो है रिंग और पिस्टन के वजह से धुआं दे रही है। तो बने रहिए वीडियो में, आपको दिखाते हैं इसको फिट करके। जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, जो इसका पार्ट है
क्लीन हो गया है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से बांधना है। जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पिस्टन है, ये इसका पिन और ये लॉक है। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पिस्टन का लॉक है। इसको पहले ही एक तरफ लगा लेना है लॉक को। अब आपको दिखा दूं, ये पिस्टन पिन है, पिस्टन पिन को लगा लेना है। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये रिंग है, रिंग जो है 5 होता है, जिसमें 2 आयल वाली जाली आयल वाली रिंग होती है और 2 कंप्रेसर रिंग होती है और ये जाली वाली रिंग होती है। तो जाली वाली रिंग को सबसे नीचे वाले खाने में लगाना है। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आयल वाली जो रिंग होती है, ये नीचे वाले खाने में जाली के नीचे होगा, इसको लगाना है। उसके बाद ये एक और रिंग है पतली सी आयल वाली, इसको भी नीचे वाले खाने में जाली के ऊपर लगाना है। उसके बाद ये कंप्रेसर रिंग है, इस रिंग को यहाँ पे लगा देते हैं। इसमें एक और रिंग है, देख पा रहे हैं दोस्तों, अब ये हो गया है रिंग और पिस्टन, इसमें लग गया है। अब चैम्बर में बजाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इसका पैकिंग है, पैकिंग को जो है अच्छे तरीके से लगाना है ताकि जो है आयल और लीक करने का कोई दिक्कत ना हो। देख पा रहे हैं पैकिंग इसका लग गया है। पिस्टन जो है लगाने से पहले इसको रिंग को अच्छी तरह आयल से भिगो लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो है सिलेंडर बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, रिंग बैंड नहीं होता है। तो आइए दिखाते हैं आपको दोस्तों। ये खाना है जो बड़ा है और ये छोटा है, तो ये जो छोटा है वो नीचे साइलेंसर के साइड में रहेगा और ये जो बड़ा है, ये जो इन लिखा हुआ है, ऊपर के साइड में रहेगा। तो देख पा रहे हैं, पिस्टन लगने के बाद ये एक लॉक है पिस्टन का, इसको लगा लेना है। जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सिलेंडर है, इसको लगाना है। ये जो इसका रिंग है, इसको आहिस्ते से बैठाना है ताकि रिंग जो है बैंड ना होने पाए। दिखा दे दोस्तों, ये जो इसका पिस्टन है, ये बैठ गया है, इसको आराम से बैठा लेना है। दिखा दे दोस्तों, पिस्टन जो है पहले इसका टॉप पे हो गया है, और इसके बाद ये चैन गाइड है, इसको बैठाना है। आपको दिखा दे दोस्तों, ये इसका हेड का गैस्केट है, इसको लगाना है। हेड गैस्केट इसका लग गया है, ये इसका हेड है, देख पा रहे हैं, हेड को लगाना है। देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका हेड जो है बैठ गया है। आपको दिखा दो, ये जो 2-10 नंबर बोल्ट है, उसके बाद ये 12 नंबर बोल्ट है और ये एक वार्सल है। ये वाशर को चारों स्टेट बोर्ड पे लगा लेना है, उसके बाद इसको टाइट करना है। बोल्ट जो है टाइट करते समय ध्यान रहे, सारा बोल्ट जो है थोड़ा थोड़ा एक बराबर से टाइट करें। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हेड है, हेड जो है इसका पूरा टाइट हो गया है। तो आपको दिखा दें दोस्तों, इसका टाइमिंग सेट करना है। ये टाइमिंग का गियर है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, आपको दिखा दें। ये मैग्नेट में एक खांचा होता है और ये चेंबर में होता है, तो टाइमिंग सेट करते समय ये ध्यान रहे कि ये खांचा और ये जो है चेंबर का खांचा दोनों जो है सामने रहे। उसके बाद गियर है,
जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो दो लिखा हुआ है ये हेड साइलेंसर के नीचे के साइड में रहेगा और ये जो एक लिखा हुआ है ये ऊपर के साइड में रहेगा। तो आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से लगाना है। जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, ये खांचा है और ये एक है, ये जो है हेड के इस खाने के बराबर में होना चाहिए। ये जो है आपका टाइमिंग हो गया सेट। अब आइए इसको टाइट करते हैं। टाइमिंग अगर सही तरीके से नहीं सेट हो तो गाड़ी जो है स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम आता है, दिक्कत भी नहीं गाड़ी सही से लेती है। आपको दिखाया दोस्तों, ये जो दो आठ नंबर बोल्ट है ये जो है टाइमिंग में लगेगा। देख पा रहे दोस्तों, ये टाइमिंग चैन एडजस्टर है, टाइमिंग चैन एडजस्टर को यहाँ है। देख पा रहे दोस्तों, ये इसका हेड कवरिंग है, इसको लगाना है। पा रहा दोस्तों, हेड का कवर जो है इसका टाइट हो गया है। देख पा रहे दोस्तों, हेड जो है इसका पूरा हो गया है कंप्लीट। तो अब आइए इसका प्लास्टिक का जो फाइबर का कवर है इसको बांध देते हैं। इसके बाद बने रहिए हमारे साथ। देख पा रहे हैं दोस्तों, इसको पहले ही टाइट कर देते हैं। देख पा रहे हैं दोस्तों, इंजन जो है हो गया इसका कंप्लीट। अब जो है इसके चेचिस पे चढ़ाते हैं, चढ़ाते हुए दिखाते हैं आपको, तो बने रहिए वीडियो में। जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, दिखा रहे दोस्तों ये जो है इसका वायरिंग, इसको जोड़ लेना है। देख पा रहे हैं ये सब कंप्लीट होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं गाड़ी आपको स्टार्ट करके। जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, इंजन इसका टाइट हो गया है। गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। देख पा रहे हैं दोस्तों, गाड़ी जो है सही हो गई है। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।